हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल जग जायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं गजरेला यानी कि गाजर की खीर की रेसिपी। गाजर का हलवा तो हम सब बनाते ही हैं सर्दियों में, लेकिन आज मैं आपके लिए गाजर की खीर की रेसिपी लाई हूं, जो बहुत ही डिफरेंट होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1.5 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहें तो टोंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध की खीर अच्छी बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसको हम हल्का गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 2 से 3 चम्मच। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसको हम हल्का सा मिक्सर ग्राइंडर में 2 टुकड़े कर लेते हैं। आप चावल इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप बासमती ले सकते हैं या खिचड़ी राइस ले सकते हैं। मेनली इसमें चावल पक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा राइस ही लिया है। ये जो गाजर की खीर बनती है, इसमें ऑप्शनल है कि आप चावल भी डाल सकते हैं। चावल से क्या होता है, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी आती है। आप चावल की जगह इसमें साबूदाना या फिर मखाने को भी डाल सकते हैं, उससे भी इस खीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने देखी चावल को बिल्कुल तोड़ा नहीं है, केवल 1 से 2 टर्न करा है और चावल को केवल 2 टुकड़े ही करा है। अब मैं इसको दूध में डाल देती हूँ। अब हम चावल को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चावल क्या होता है, नीचे चिप लग जाता है। और इसे 2 से 3 मिनट में एक बार हम अच्छे से चला लेंगे। हम अपने दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे हमारा चावल ना लगे, और अगर ऊपर मलाई आ जाए तो उसे हम वापस दूध में ही डाल देंगे, ताकि हमारा जो दूध हो वो अच्छा ठीक हो जाए, क्रीमी हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस पतीली मैंने खीर बनने के लिए रखी है, उसकी फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दी है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम लगभग 2 चम्मच हम घी डाल देते हैं और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी देखिए, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से हमारी खीर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है। आप ड्राई फ्रूट इसमें अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, नारियल और 5 मगज लिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमें इसको ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है, नहीं तो हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, कि वह इसे 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। दूध को भी हम बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि हमारा चावल जो है वो नीचे लगे नहीं। ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े फ्राई हो चुके हैं। इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैंने यहाँ पे गाजर लिए हैं। ये गाजर 200 ग्राम है, जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। आपको इसे बारीक ग्रेट करना है ताकि जल्दी गल जाए। जो मैंने गाजर ली है वो लगभग 200 ग्राम ली है, और जो दूध लिए हैं वो 1.5 किलो लिया है। ये प्रोपोर्शन एकदम सही है रहता है। अब इसको हम इसी घी में अच्छे से भून लेते हैं। गाजर को भूनने से क्या होता है, हमारी खीर का टेस्ट अच्छा आता है और हमारी खीर को बनने में टाइम भी कम लगता है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक भूनना है। ये देखिए, हमारे गाजर का कलर भूनने पे कितना अच्छा हो गया है। भूनने से क्या होता है, खीर के टेस्ट इनहेंस होता है और हमारे गाजर की खीर बहुत जल्दी बन भी जाती है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे और भून लेते हैं। चलिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। गाजर हमारा अच्छा सा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इस गाजर को हम अपने दूध में, जिसमें हमारा चावल पक रहा है, अपने दूध में डाल देते हैं। चलिए, जो गाजर हमने फ्राई किया है उसको हम अपने दूध में डाल देते हैं। ये देखिए, दूध में डालते ही हमारी खीर का कलर कितना अच्छा हो गया है। गाजर का कलर हमारे दूध के अंदर आ गया है और हमारे खीर का कलर ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। अब इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट और पकाना है। गैस की फ्लेम अब मैंने लो कर दी है। बीच बीच में हम इसे स्टिर करते रहेंगे ताकि हमारे गाजर या चावल नीचे से लगे नहीं बिल्कुल भी।
और हमारी खीर अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ गया है और हमारी खीर धीरे धीरे पक रही है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा चावल और गाजर अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गाजर है वो अच्छे से पक गया है नहीं पका है। ये देखिए एकदम मैश हो रहा है आसानी से एक साथ। आप चाहें तो इसे एक बार इसमें ब्लेंडर चला सकते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, या चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने इसे टोटली अवॉइड कर दिया है। अब इस स्टेज पे आप इसमें कंडेंस मिल्क, खोया या फिर क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो घर में, वो हम इसमें डाल देते हैं ताकि जो हमारी जो खीर है वो एकदम क्रीमी हो। मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी मलाई ली है जो मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास खोया या कंडेंस मिल्क अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारे खीर का टेक्सचर कितनी गाढ़ी खीर हो गई है हमारी। अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाली है। चलिए अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आपको तभी डालनी है जब आपका गाजर और चावल अच्छे से पक गया हो, आपकी खीर एकदम तैयार हो, वरना चीनी डालने के बाद हमारा पकने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने कंडेंस मिल्क डाला है तो आप चीनी थोड़ी सी कम डालेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता है। यहाँ मैंने 6 चम्मच चीनी ले ली है, इसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चीनी डालने के बाद जो हमारी खीर है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है क्योंकि चीनी मेल्ट होती है। जब तक चीनी डिजोल्व नहीं होती है इसे हम 5 मिनट और पकाते हैं ताकि हमारी चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। चलिए देखिए अच्छे से बॉईल आ चुका है खीर में और खीर हमारी अच्छे से बहुत गाढ़ी भी हो चुकी है और चीनी भी डिजोल्व हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी होती है। ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर आया है और खीर का कलर देखिए कितना ही अच्छा आया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर हमें ज्यादा नहीं डालना है, केवल 1/4 टीस्पून ही डालना है। ये देखिए 1/4 टेबल स्पून हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे हमारी खीर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा खा सकते हैं इसे, लेकिन खीर मेनली ठंडी ही अच्छी लगती है। अब इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी गाजर की खीर। आप भी इसको बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। चलिए इसे थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे उस वक्त रख लिए थे, इसको मैं आपको गार्निश कर देती हूँ। आप इसे किसी मौसम में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त हम गाजर इजिली मिल रही है और मौसम की है तो इस वक्त एक बहुत ही टेस्टी लगती है। ये खीर आपको देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कहीं ज्यादा ये खाने में अच्छी है। चलिए मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।